हेलो गाइस, तो आज हम बनाएंगे जो सर्दियों में सबकी मम्मियाँ बनाती है आटे वाले लड्डू। तो ये हमने आटा और घी मिक्स कर लिया है, उसमें फिर हमने ये डाला है गोंद। आपको पता होगा गोंद क्या होता है। अब ये देखने ये फूल के बहुत बड़ा हो जाएगा, आप चेक करना। ये धीरे 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 बड़ा हो रहा है। तो अब ये बड़ा हो गया है, हम इसको थोड़ी देर चलाएँगे, चलाते रहना है इसको, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे सीड्स, जैसे मगज जिसको हम इंग्लिश में मेलन सीड्स बोलते हैं, और हम डालेंगे सूरजमुखी सीड्स जिसको हम सनफ्लावर सीड्स बोलते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे चिलगोजे, आपको पता होगा ये बहुत टेस्टी ड्राई फ्रूट होता है। अब हम ये डालेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे काजू। अगर आप कुछ नहीं डालना चाहते आप वो मत डालना। तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे पम्पकिन सीड्स। अब हम इसमें डालेंगे खसखस जिसको हम इंग्लिश में पॉपी सीड्स भी बोलते हैं, और फिर हम इसको मिला लेंगे अच्छे से। मिलाते तो हमें रहना ही है इसको। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सफ़ेद मूसली और सालम पंजा को पीस के अच्छे से डाल देना। उसके बाद हमने डालना है इसमें बादाम, और फिर अब इसको हमने अच्छे से मिक्स किया। और ये सब हमने डाला है अलसी, नारियल, ये दो चीज़ें हमने इसमें और ऐड करी है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम दूसरी कढ़ाई में गुड़ लेंगे और उसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। आप चीनी भी डाल सकते हो, हमने इसमें गुड़ डाला है। फिर हम इसको लड्डुओं में मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये हमारे लड्डू तैयार हो गए हैं। अब हम इसको लड्डू के शेप में अच्छे से बांध लेंगे। ये देख लो आप, ऐसे ऐसे हम अच्छे से इसको फिर बांध लेंगे। फिर गाइस देखो, ये हमारे लड्डू बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।